हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लेक्चर 3 लिखा हुआ है लेकिन वो लेक्चर 2 है क्योंकि लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम हो गई थी, आप लोगों को याद होगा। तो हम लोग लेक्चर 3 है क्या, पता नहीं, हमें याद नहीं आ रहा है, देख लेंगे। लेकिन ये है कि मैं हमें ये याद है कि हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट पढ़ लिए हैं और सेकेंड हम लोगों को पढ़ना है ना। इसमें पता नहीं चैटिंग नहीं आ रहा है, am I audible to everyone? जल्दी से बताओ, ये चैटिंग नहीं आ रहा है यार, ये क्या है? किसी और में भी चैटिंग है क्या तुम लोग यार? हाँ, प्राइवेट तो नहीं है ये, देखना पड़ेगा। हाँ प्राइवेट हो गया है। एनीवे चलो ठीक है, गुड इवनिंग, एम आई ऑडिबल? अच्छा ओके, प्राइवेट हो गया है, ओके ओके ऑडिबल। हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, ओके NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ रहे थे और सेकेंड लॉ पढ़ रहे थे। सेकेंड लॉ पढ़ना था, सेकेंड लॉ। अच्छा है, सेकेंड लॉ कहिए चाहे वेक्टर लॉ कहिए, वेक्टर लॉ ठीक है, एक ही बात है। तो फिर से मैं रिपीट हो जाएगा, हो सकता है कि 15-20 मिनट आप लोग पढ़े होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इट्स ओके फाइन। हो सकता है कि बोलते समय कोई नई चीजें भी आ जाएंगी, मे बी, देखते हैं। एक तो याद होगा कि फर्स्ट लॉ, पहले तो ये जानो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, जैसा कि मैं शुरुआत में बोल चुका हूं कि इंडिपेंडेंट, बिल्कुल अपना जो अलग सोच थी वो न्यूटन की थर्ड लॉ है, जो लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड पहले से बातचीत हो रही थी, गैलीलियो काफी कुछ कह चुके थे और फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक, इनर्शिया की कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करता है, जो स्टेटमेंट है, और दूसरा उसी का फॉर्मूला के फॉर्म में है, फॉर्मुलेट किया हुआ है, दैट इज रिलेशन अमंगस्ट फोर्स, नेट फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो गुड इवनिंग एवरीवन, ओके, सो हाँ, तो हम लोग फर्स्ट लॉ में क्या देखे थे कि कोई चीज रेस्ट में रहेगी तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, कोई चीज मोशन कर रही है तो मोशन करते हुए वो जाना चाहती है ना, उतने ही स्पीड से उसी डायरेक्शन में, ओके। और ये भी क्वेश्चन आता है अक्सर कि हम लोग चलते रहते हैं तो ब्रेक अचानक लगता है तो हम लोग क्यों आगे गिरने लगते हैं, जो एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, लेकिन वीडियो गड़बड़ हो गया था तो इसलिए हमें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्योंकि बाद में भी कोई देखेगा इसे। तो अचानक ब्रेक लगता है तो क्या चीज होता है? तो ब्रेक लगता है तो आप लोग तो पढ़े होंगे कि ब्रेक लगता है तो हम लोग चलते रहना चाहते हैं, बस रुकने लगती है तो हम आगे की तरफ गिरने लगते हैं, है ना। लेकिन और डिटेल एक्सप्लेनेशन इस तरह का चीजें नहीं होती तो मैं थोड़ा डिटेल के बोल देता हूं। हालांकि मैं देख रहा हूं कि नीतीश का कहना है कि सर ड्यू टू इनर्शिया, इट्स ओके, ठीक है। तो क्या क्या होता है, जब बस पर ब्रेक लगाया जाता है तो पहिए के नीचे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, पहिया रुकने लगता है, पहिया से कनेक्टेड चीजें होती हैं, पूरा कॉम्पैक्ट फॉर्म है, रिजिडिटी होती है बस में, सब स्टॉप होने लगता है, सब जुड़े होते हैं, तो बस का फ्लोर भी स्टॉप होने लगता है। तो जिस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स वहां टायर पे लगता है वैसे ही फ्लोर रेस्ट होने के कारण रिलेटिव टेंडेंसी हो जाती है हमारे पैर के मोशन की, जो हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो पढ़ रहे हैं उसका अगला चैप्टर है फ्रिक्शन, लेकिन अब एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्या करें। तो हमारा पैर भी रुकने लगता है पर हमारा बाकी पार्ट,
पैर पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, तो बाकी पार्ट हमारा मोशन में रहता है और मोशन करते रहना चाहता है। लेकिन फिर से वही, जैसे बस कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिजिड है, तो वैसे ही हम लोगों का बॉडी भी है। यदि हम लोगों का बॉडी बहुत कम फोर्स से कनेक्ट होता है या फोर्स से कनेक्ट नहीं होता, तो ये जैसे ही चीजें नीचे की रुकने लगती है, ये आगे आगे फेंका जाता है, मेरा सिर हाथ होता ऐसे चला जाता है ना। लेकिन क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स होता है फ्रॉम टायर टू कैमशाफ्ट, देन रॉड्स, देन ऑन द फ्लोर एंड अदर वॉल ऑफ द बस सब, देन ऑन फुट ऑन फीट, है ना, ऐसे शुरू होता है। फिर हमारे बॉडी में भी ट्रांसमिशन शुरू होता है, ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। सो वो ट्रांसमिट होते यहां पे पहुंच जाता है, लेकिन तब तक ये देर हो चुकी होती है, हमारा सिर आगे जा रहा होता है और हम लोग गिरने लगते हैं। अचानक हम लोग खड़े रहते हैं तो सब रेस्ट में रहता है, सब रेस्ट में रहता है। अचानक चीजें चल देती, अचानक बस चल देती है तो हम लोग पीछे गिरते हैं, तो पैर आगे जाता है। क्या ये रियली में पीछे जाता है? नहीं, हमारा सिर रेस्ट में रहना चाहता है, पैर पे फोर्स लगता है, पैर आगे बढ़ता है। तो ऐसा नहीं कि हम पीछे, हमारा सिर पीछे नहीं जाने लगता, हमारा बॉडी पीछे नहीं जाने लगता, रिलेटिव पीछे जाता है। रिलेटिव पीछे होना और पीछे होने में अंतर है, ओके? सो हमारा बॉडी पीछे नहीं जाता, हमारा बॉडी वही रहता है सिर वाला, पैर हमारा आगे बढ़ जाता है। और फिर से वही ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स होता है। हाँ, दिव्यांशु का क्वेश्चन है कि सर ट्रक ट्रक और कार वाला भी एक्सप्लेन करना था, तो भी मैं बता देता हूं। ट्रक वाला जो मैं पिछले क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि सामने से ट्रक और कार आ रही हैं, तो किससे हम लड़ना पसंद करेंगे? दोनों का स्पीड सेम है, सामने से दो चीजें आ रही हैं, ट्रक और कार, और 10 मीटर पर सेकेंड से, ओके? तो हम किससे लड़ेंगे? तो था आंसर है कि कार से। रीजन है, कई लोग अपना अपना आंसर बता रहे थे कि ये रीजन है, वो रीजन है, सब अपना अलग अलग रीजन बता रहे थे, तो ध्यान से सुनना। पार्शियली आप लोग का भी सही है जो आप लोग बता रहे थे, ऐसा नहीं है कि चीजें गलत थी, लेकिन और एग्जैक्ट सुनो। जब हम ट्रक से लड़ेंगे तो ट्रक का जो 10 मीटर पर सेकेंड है उसमें कम चेंज होगा स्पीड में, क्योंकि उसमें उसके पास ज्यादा मास है तो ज्यादा इनर्शिया है, तो अपने वेलोसिटी को मेंटेन करेगी, और मेरा भी 10 के करीब में हो जाएगा, तो मेरा मास इनटू 10 चेंज ज्यादा होगा मेरे मोमेंटम में। और जब कार से लड़ेंगे तो कार की वेलोसिटी में ज्यादा परिवर्तन होगा, कार 10 ही नहीं रहेगी बल्कि 9 हो जाएगी, तो मेरा उसके साथ में 9 होगा, तो मेरा मास इनटू 9, और ट्रक के में तो नो चेंज, तो मेरा मास इनटू 10, उसमें ज्यादा मोमेंटम चेंज मेरे में किस में हुआ? ट्रक वाले के साथ, कार वाले के साथ कम हुआ। और मोमेंटम चेंज नियरली गिवन टाइम जो इंपल्स है यही डिसाइड करता है फोर्स, जो कहां देखेंगे हम लोग, सेकेंड लॉ में, ये है। तो अभी हम लोग देखेंगे उत्कर्ष। हाँ वही, तो हम लोग अभी देखेंगे कि जो फोर्स, जो प्रेशर, एक और क्वेश्चन है ना ऐसे कि जैसे मैं कहूं कि हम लोग चेयर पे बैठते हैं जैसे, तो किस तरीके से प्रेशर और फोर्स हमारे लाइफ में रोल प्ले करता है। जैसे एक बांस है, एक बांस है उस पे बैठे है ना, अच्छा है, एक पत्थर उस पे बैठे और एक चेयर ऐसे बना हुआ है, ऐसे शेप है, उस पे बैठे हम लोग, सोफे बैठते हैं तो दब जाता है, ऐसे हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है फोर्स जो ऊपर लगता है जब बैठने के बाद, हमारे वेट के बराबर लगता है? आप किसी भी चीज पे बैठिए, डंडे पे बैठिए, छड़ पे बैठिए, स्टोन पे बैठिए, इस तरह के चेयर पे बैठिए, इस तरह के चेयर पे बैठिए, सोफे पे बैठिए, सब जगह फोर्स सेम लगता है।
आखिर नई चीज क्या होती है? नई चीज ये होती है कि हमें प्रॉब्लम फोर्स से तो जो होता है ये उससे भी कहीं ज्यादा मॉलिक्यूलर लेवल जो वियर टियर हमारी स्किन का होता है उसका अपना एक स्ट्रेंथ होता है। नहीं, ये नीडल जो इंजेक्शन लगाते हैं वो मोटा क्यों नहीं होता, इस तरह का क्यों होता है, इस तरह का क्यों नहीं होता, पतला सा क्यों होता है, वो वियर टियर कर सकता है क्योंकि हमारे स्किन का वियर टियर का प्रेशर से डिसाइड होता है, पर यूनिट एरिया इसका वैल्यू है। तो फोर्स सेम एरिया कम हो जाएगा तो हम प्रेशर ज्यादा दिक्कत होता है प्रेशर से, यदि प्रेशर बढ़ाने लगेंगे तो वो चीर फाड़ देगा। यही रीजन है कि ज्यादातर अच्छी कुर्सियां सोफे वो होते हैं जब वो शेप ले लेते हैं जिस शेप का आपका पिछवाड़ा होता है, जो बट होता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, बल्कि थ्री इडियट्स में देखे होंगे चेयर ऐसी भी है ऐसे ऐसे करके, क्यों थ्री इडियट्स में देखे होंगे कि जैसा बट है ऐसे ऐसे बैठने वाला है, थ्री इडियट्स मूवी में देखे होंगे। तो हमें लगता है कि आप लोगों को पता होगा जितना ही ज्यादा सेम शेप वाला जो हमारी जरूरत है उतना ही, जितना ही ज्यादा एरिया कवर करेंगे सेम फोर्स के लिए सेम वेट के लिए उतना ही वो कंफर्टेबल होगा। और यही रीजन है कि हम लोग सोते भी इसीलिए हैं क्योंकि और ज्यादा लार्जर पार्ट ऑफ बॉडी कॉन्टेक्ट में आता है, वेट उठाता है, वेट तो तब भी सेम रहता है लेकिन ज्यादा आसान होते हैं। चलिए, तो ये रहा सेकेंड लॉ और वेक्टर लॉ। तो जल्दी से लिख लीजिए, हाँ हो चुका है लेक्चर पहले हो चुका है लेकिन मैं बता तो रहा हूं क्योंकि हमें 15-20 मिनट का लेक्चर हुआ था फिर गड़बड़ हो गया था, तो जल्दी से लिख लो, जल्दी लिख लो यार, 15-20 मिनट के बाद फिर रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। लिख लो स्टेटमेंट लिख लो, इसी बहाने रिवीजन मान लो यार यदि हो चुका है तो। चलो लिखो, एग्जैक्ट जो न्यूटन सेकेंड लॉ था वही लिखवा देता हूं, चाहे लिखे भी होंगे आप लिख लीजिए, जो नए होंगे कम से कम लिख लीजिए। सेकेंड लॉ, अनबैलेंस नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अनबैलेंस नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, नेट अनबैलेंस नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी और अ सिस्टम, बॉडी कह लीजिए चाहे कई चीज मिला के सिस्टम कह लीजिए, शायद सिस्टम नहीं लिखवाया था पहले, सिस्टम आज लिख लो। So unbalanced net external force acting on a body or a system is equal to mass times acceleration, is equal to mass times acceleration, mass times acceleration, ये है मास टाइम्स एक्सीलरेशन। अब आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि इसका नाम वेक्टर लॉ क्यों है, वेक्टर लॉ इसलिए है क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है ना, वेक्टर लॉ इसलिए है क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है। एनीवे, तो आप लोग देख रहे होंगे और हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताओ कि ये है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्यों? यदि मैं कहूं कि a बराबर क्या होगा तो ये भी होगा, ठीक है। यदि मैग्नीट्यूड फॉर्म कहूं तो मैग्नीट्यूड हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे और तब हम लोग कहेंगे f बराबर एम ए, तब ऐसे केस में a बराबर f बाई एम भी होगा और m बराबर f बाई ए भी होगा, ये वेक्टर फॉर्म है। अच्छा m बराबर नीचे a वेक्टर नहीं हो सकता क्योंकि वेक्टर डिवीजन नहीं होता ना। अब हमको ये बताओ कि कई क्वेश्चन तो इसी पे बनते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इनमें मैं तीन दो ठो दे दूंगा, इसमें कोई भी दो ठो तो तीसरा आप नहीं बता दोगे हैं?
मैं तो कहता हूं कि फार्मूले से क्या चीजें नहीं डिफाइन होती हैं। मैं कहूंगा एक्सेलरेशन डिफाइन करो, तो कह देना कि एक्सेलरेशन इज अनबैलेंस्ड नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg मास। एक्सेलरेशन का डिफिनीशन कर लो। मास को नहीं डिफाइन कर सकते हो, मास को कैसे डिफाइन करोगे? देखो कैसे डिफाइन किया जाता है, नीचे वाले को 1 कर दिया जाए तो मास फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो मास को डिफाइन किया जाता है कि मास इज डिफाइंड एज अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 1 m/s². मतलब मास ही फोर्स होता है, न्यूमेरिकली मास ही फोर्स होता है यदि उस बॉडी का मास कितना हो, 1 kg हो। मैं क्यों बता रहा हूं, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जब डेफिनेशन किसी चीज का ना पता हो तो तुम फार्मूले से डिफाइन कर लेना, वो गलत नहीं होता है। अब वो एग्जामिनर न समझ पाए तुम्हारे इस टैलेंट को, इस तरह की चीजों को, इस तरह की क्रिएटिविटी का रिस्पेक्ट न करे, ये और बात है। लेकिन सच तो है, सही तो है ये। तो हमको लगता है कि आप लोग इसी तरह से फोर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स इज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ 1 kg मास। फोर्स इज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ 1 kg मास, देख लो ऐसे। तो हमें लगता है कि इस तरह की चीज जो सीख है ना, वो ज्यादा जरूरी है। अब मेरा क्वेश्चन एक और देखता हूं, हालांकि मैं बताया हूं तो आप लोग जवाब दे देंगे। आप हमको बताओ F बराबर एम ए सही है कि A बराबर F बाई एम सही है कि M बराबर F बाई ए सही है कि तीनों सही है? Come on, reply fast. F बराबर एम ए सही है कि A बराबर F बाई एम सही है कि M बराबर F बाई ए सही है? Reply fast. जल्दी, come on, reply fast. जल्दी बताइए कौन सा सही है। आंसर है F बराबर एम ए सही है। ये दोनों सही नहीं है, ये कंडीशनली ट्रू है। कौन से कंडीशन में ट्रू है? A बराबर F बाई एम में ये तब सही है जब मास इज नॉट जीरो, नॉन जीरो मास के लिए सही है, ये नॉन जीरो एक्सेलरेशन के लिए सही है। क्लियर? एम आई राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब डिवीजन वाले से चीजें फॉर्मूले में होती हैं तो हमें लिमिट लगाना होता है कि नीचे वाले पार्ट को जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है? लेकिन यहां पर डिवीजन वाला नहीं है तो फाइन है, इट्स ओके। तो ये जरूरी है। सो ये केवल कब सही है? ये तब सही है जब मास जीरो ना हो, और ये तब सही है जब ए जीरो ना हो, है ना, इस तरह का। तो लेकिन ये हमेशा सही है। हालांकि सच तो ये है, जैसे जैसे फिजिक्स का नॉलेज होगा वैसे वैसे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि ये भी कंडीशनली ट्रू है, पर ऐसा कंडीशन तो नहीं है। मतलब मास को टेंडिंग टू जीरो करेंगे तो भी ये सही होगा, टेंडिंग टू जीरो नॉट जीरो, पर ये जीरो के लिए भी सही है। लेकिन हम उसमें मान के चल रहे हैं कि हम क्वांटम वाली बातें नहीं करना चाहते तब ये नहीं। तो सच तो ये है कि जब क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करने लगते हैं तो ये खुद ही अपने आप में कंडीशनली ट्रू है, डेविएशन आने लगता है एज मास डिक्रीजेस एंड टेंडिंग टू बिकम्स जीरो, देर विल बी लार्ज डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल दिस ए बराबर एम ए। दिस होल्ड फॉर व्हाट? पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी डायनामिक्स। क्वांटम में जाते जाते एक जनरल थ्योरी आने लगती है और उसमें हमें देखना होता है, वो जनरल है आइंस्टाइन की थ्योरी। तो अभी रिलेट नहीं करते हैं, अभी न्यूटन वाले वर्ल्ड में रहते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में रहते हैं, विजिबल वर्ल्ड में रहते हैं, ना कि हम लोग लाइट वाले में जाएं, है ना। ये बहुत जरूरी है। और अभी फिलहाल हमें
जो कि स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जिसको जानने के बाद ही हम कुछ और भी फिजिक्स का समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते, वो यही चैप्टर है जो तुम्हारे सामने है। ठीक है, तो ये हमें लगता है कि आप लोग ये मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे और इस पे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। मैं अभी इस पे नहीं जाना चाहता कि फोर्स दू, मास दू, एक्सलेशन दू, तो कोई दो ठो दे के पूछ लू, इतना आप कर लेंगे। ओके, अब एक और थोड़ा सा करेक्टेड फॉर्म लिखो, न्यूटन्स सेकेंड लॉ का करेक्टेड फॉर्म लिखो, जल्दी से लिखो, थोड़ा करेक्शन वाला। हालांकि न्यूटन अपना एक्सपेरिमेंट तो कांस्टेंट मास के लिए लिए थे और उनके लाइफ में इस तरह का टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करने की जरूरत नहीं थी। उस समय तो डिस्कवरी ही बहुत बड़ी चीज थी जो रियल लाइफ में, उस समय वेरिएबल मास वाला रॉकेट और फलाना ढिमकाना वाला बनने वाली बात तो नहीं थी ना। तो जल्दी से आप लोग जल्दी से सेकेंड लॉ का थोड़ा सा चेंज फॉर्म लिखें आप लोग सभी लोग, जल्दी से फटाक से लिखें। जल्दी से लिखो, अनबैलेंस नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी और अ सिस्टम। खुशी कुमारी सर न्यूमेरिकल कराइए, अरे वो सब करवाएंगे यार, पहले जान लोगे तब ना, जानते हो थ्योरी जानने के बाद, ये थ्योरी जानने के बाद ही न्यूमेरिकल हो सकता है। न्यूमेरिकल भी इतना जल्दी क्यों जा रहे हो, न्यूमेरिकल तो इतना करवाओगे तो तुम लोग थक जाओगे, इतना डीपीपी और इतनी सारी चीजें देगा, पहले सीख तो जान तो लो, तुम लोग दिमाग में न्यूमेरिकल लाने लगता है। अनबैलेंस नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, राइट डाउन, अनबैलेंस नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी और अ सिस्टम, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी और अ सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी और सिस्टम लिख सकते हैं, चाहे रहने दीजिए क्योंकि बात तो उसी की हो रही है। अब ध्यान से सुनो, ये करेक्टेड फॉर्म है और अब वो ध्यान से सुनो कि कब क्या होता है, ध्यान सुनना ना। अब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एवरेज फोर्स, ध्यान से सभी लोग देखें ना, एफ एवरेज ये हमेशा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है। मैं पिछली बार पढ़ा चुका था, फिर भी सुन लो, और जब मैं बताऊंगा तो कुछ उसी में नया ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैं टेप रिकॉर्डर तो हूं नहीं यार कि वही बजूंगा मैं। हाँ 90% सेम रहेगा, 10% कुछ नया मिल जाएगा, क्योंकि मैं जब लेक्चर दे रहा हूं रट के तो आया नहीं हूं मैं, है ना, तो कुछ नई चीजें सीख लेना। और ये फार्मूला इतना ज्यादा ब्रॉड वे में यूज है कि बल्कि ज्यादा अच्छा है कि रिवीजन माना जाए, बढ़िया रहेगा आपके लिए, है ना। तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक है, जो बच्चे मेरे से डिफरेंशिएशन अभी नहीं पढ़े हैं, सेकेंड बैच वाले चाहे कई बच्चे, जल्दी से डिफरेंशिएशन ग्राफ इंटीग्रेशन पढ़ लो, और नहीं पढ़े हो तो भी मैं ट्राई करूंगा कि आप चीजों को समझें। पहले तो ये जानो कि ये चेंज है, डेल्टा मतलब चेंज, और किसी भी चीज में चेंज, और चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। दुनिया में कोई भी चीज फाइनल माइनस इनिशियल होती है, कोई भी चीज। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या चीज है, मोमेंटम को बस डिफाइन किया गया है ना। सो मोमेंटम इज नथिंग बट मास टाइम्स वेलोसिटी, सिंपल सा डेफिनेशन है ना।
मोमेंटम क्या है? मास टाइम्स वेलोसिटी, बस इतना ही डेफिनेशन, इसके अलावा मोमेंटम है ही नहीं। पहले तो ये जानो कि मास टाइम्स वेलोसिटी, अभी उसकी बात और कर लूंगा, लेकिन बच्चे बच्चों के लिए थोड़ा अजीब सा लगता है तो इसलिए मैं बता दिया। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज। अच्छा बताओ फाइनल मोमेंटम मतलब एम वी एफ, अभी बताया था कि क्या होता है, एम वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई बराबर, ये देखो एम टेकन आउट वी एफ माइनस वी आई बाई टी एफ माइनस टी आई, अगेन एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी? एम एवरेज, एम एवरेज। आपको पता है कि किसी चीज का, ये देखो ऐसे मारा आके रुक गया, मेरे हाथ पे कितना, यदि मैं कह दूं कि एक मिली सेकेंड टाइम लगा, कितना फोर्स लगा इस पे, एवरेज फोर्स। इफ स्ट्राइकिंग टाइम ऑफ माय हैंड विद दिस हैंड अनदर हैंड इज वन मिली सेकेंड, हाउ मच फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस हैंड और दिस हैंड, एक्शन रिएक्शन देखेंगे, निकाला जा सकता है। एक हथौड़ा लेके मारा किसी चीज पे, ऐसे ताली बजाया, ऐसे इंटरेक्शन टाइम वेलोसिटी, हाथ का मास दे दिया जाए, हाउ मच एवरेज फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन हैंड्स। ये मैं बस एग्जांपल ले रहा हूं, दुनिया में जितना भी सब इंटरेक्शन है सब जगह एवरेज फोर्स पूछा जा सकता है, लेकिन खोपड़े में बैठाना होगा कि एवरेज फोर्स का इसके अलावा कोई फार्मूला ही नहीं है, एवरेज फोर्स का इसके अलावा फार्मूला ही नहीं है, ये समझो, ये ज्यादा जरूरी है समझना। जानते हो मैं कितना क्यों इतना इंफेसाइज करता हूं, किसी टीचर का वीडियो देखना ना, वो पढ़ाती नहीं है, वो इसको छोड़ के जल्दी से न्यूमेरिकल करवाते हैं, ठीक है वो भी अच्छी चीज है, कोई जल्दी से न्यूमेरिकल करवाने लगेगा ना तो वो भी ठीक है, न्यूमेरिकल होने लगता है क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें कौन सा फार्मूला लगता है, लेकिन वो साइंस नहीं है, वो साइंस नहीं है। साइंस ये है कि कैसा भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए आप उसको सोच पाए, जो मेरा लेक्चर है वो साइंस है। मैं जैसे मैं अभी बता रहा हूं, कहीं पे भी रॉकेट लॉन्च किया गया, कहीं पे कुछ हुआ, दो सेकेंड के अंदर हाउ मच एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट, तो आपको आपको हमारी बातें याद आनी चाहिए कि एवरेज फोर्स यही निकालने का तरीका है। यदि हम लोग आगे बाद में पढ़ेंगे, ये वाला देखो, ये वाला यदि ये ऐसे है ना, यदि मोशन है, देखो मैं कह दूं कि कुछ टाइम के लिए मैं बात करूं कि हाउ मच एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन इन वन वन रोटेशन, हाफ रोटेशन, हाफ ऑसिलेशन ना, तो आपको बताना पड़ेगा क्या करोगे आखिर, क्या नया करोगे इसमें, हाउ मच एवरेज फोर्स एक्टिंग बाय स्ट्रिंग ऑन दिस ऑसिलेशन, हाफ ऑसिलेशन, सोचेंगे यही, मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूं, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है। तो एक तो ये बात हुआ है ना, एक बात ये इंस्टेंटेनियस फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स, एफ इंस्टेंटेनियस, एफ इंस्टेंटेनियस को सिंपली एफ भी कहा जाता है, ध्यान से सभी लोग सुनोगे, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी एवरेज के लिए था और इंस्टेंटेनियस भी डेल्टा पी बाय डेल्टा टी है,
मतलब जो एवरेज है वही इंस्टेंटेनियस भी है, मतलब किसी इंटरवल में। दुनिया का कोई भी चीज की एवरेज की बात हमेशा या तो कुछ संख्या की होती है या तो कुछ इंटरवल की। ध्यान से फिर से, पूरी दुनिया की एवरेज की बात कर रहा हूं, ये ज्यादा जरूरी है समझना, इकट्ठे समझो पूरे साइंस को। बात एवरेज फोर्स की नहीं है, बात एवरेज करंट की है, एवरेज पावर की है, एवरेज इंड्यूस डीएमएफ की है, एवरेज एक्सेलरेशन की है, एवरेज वेलोसिटी की है, एवरेज एवरीथिंग, एवरेज फील्ड की है, एवरेज पोटेंशियल की है, एवरेज नंबर ऑफ क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर क्लास की है, एवरेज रुपए की है, एवरेज आदमी की है, एवरेज वेट की है, एवरेज मास की है, एवरेज एवरीथिंग, एवरेज। ये जो मैं एवरेज बोल रहा हूं ना, उसको समझो और सब जगह अप्लाई करने की कोशिश करना, और खासकर डिवीजन के लिए एवरेज एवरीथिंग। सो व्हाट, ये भी एवरेज है, तो एवरेज तो हो गया कहीं भी एवरेज। दुनिया का कोई भी इंस्टेंटेनियस, दुनिया का कोई भी इंस्टेंटेनियस मतलब किसी इंटरवल में नहीं, किसी इंटरवल में नहीं, किसी इंटरवल में नहीं, एक मोमेंट पर, एक पोजीशन पर, एक वैल्यू, एक टाइम पर, एक इंस्टेंट पर, एक क्षण में, एक पल में, एक 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 मोमेंट पर, नॉट इन इंटरवल, इंस्टेंटेनियस, एक इंस्टेंट पर। एग्जाम्पल को ज्यादा समझ में आएगा, 10 से लेके 12 बजे तक किसी बस पे कितना फोर्स लग रहा था, एवरेज बताइए। 10 से लेके 12 बजे तक एवरेज फोर्स कितना लगा किसी बस पर, इसे एवरेज कहते हैं क्योंकि 10 से 12 हो रहा है। लेकिन 11 बजे बताइए, नॉट इंटरवल, नॉट फ्रॉम दिस टू दैट, 11 बजे बताइए, एट दैट मोमेंट कितना फोर्स लग रहा था, उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस कहते हैं, तात्कालिक फोर्स, तात्कालिक बल बोलते हैं, ताक्षणिक बल बोलते हैं, ओके? और ये दोनों बातें पूरे साइंस में भरी हुई हैं, और ये हमेशा एवरेज की तरह ही आता है। इसका मतलब जब हम लोग किसी इंटरवल को कम करते हैं, सपोज दिस इज टाइम, स्केल मान लो अपने से ग्राफ वाला स्केल, कि लेट 1 सेंटीमीटर बराबर 1 घंटा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 घंटा ना, ऐसे कम करो तो कम टाइम का एवरेज, 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 एंड दिस इज कम टाइम, कम टाइम, कम टाइम, कम टाइम, नॉट टच बट टेंडिंग टू टच, टेंडिंग टू जीरो टाइम इंटरवल बट नॉट जीरो, टेंडिंग टू जीरो टाइम इंटरवल, नॉट जीरो, नॉट इक्वल, टेंडिंग टू जीरो टाइम इंटरवल। और एवरेज ही 10 बजे के इर्द गिर्द बहुत छोटा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल, अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल, टेंडिंग टू जीरो है ना टाइम इंटरवल में, जब एवरेज ही लेते हैं तो उसे एवरेज नहीं कहते, मजबूरी में इंस्टेंटेनियस को ऐसे ही डिफाइन करना पड़ता है, और तब जाके ये जो डेल्टा डेल्टा है इसकी जगह डी डी हो जाता है। तो जो मेरे से डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे मेरे से डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं वो जान ले, हमको लगता है कि जो बच्चे मेरे से डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं, हल्का सा ये जान ले कि जब डेल्टा डेल्टा बहुत छोटा हो जाता है तो डी डी में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो इतना ही जान लो फिलहाल, एक तो ये है। तो ये छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा चेंज, सब चेंज है,
दिस इज जनरल एक्सप्रेशन ऑफ चेंज बट दिस इज नॉट जनरल एक्सप्रेशन ऑफ चेंज. दिस इज स्पेशल केस वेयर चेंज इज वेरी स्मॉल. इतना स्मॉल कि इन्फिनिटेसिमली स्मॉल. इन्फिनिटेसिमली स्मॉल मतलब अत्यंत सूक्ष्म, सबसे छोटा चेंज, विच नोबडी नोज, जिसको दुनिया का कोई व्यक्ति आज तक नहीं जान पाया, इसीलिए बेचारा एक्सप्रेशन में रह गया, टेंडिंग टेंडिंग वाले एक्सप्रेशन में रह गया. यदि मालूम चल गया होता ना सबसे छोटा चेंज बट नॉट जीरो, तो आज मैं टेंडिंग नहीं लिख रहा होता और पूरा कैलकुलस ध्वस्त हो जाता, पूरा मैथ्स बर्बाद हो जाता, सब गलत हो जाता, दुनिया की सारी थ्योरी फेल हो जाती, साइंस का नया अध्याय शुरू होगा जिस दिन पता चल जाएगा व्हाट इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज बट नॉट जीरो. एक चीज हमें लगता है कि ये थोड़ा सा करेक्टेड फॉर्म है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का. अब आओ जरा तो इधर आओ, यहां आओ, ये देखो. इंस्टेंटेनियस फोर्स है. आप जानते हो कि पी क्या होता है, बता चुका हूं, एम वी होता है. मोमेंटम मतलब एम वी. जो बच्चे डिफरेंशिएशन ना पढ़े होंगे वो बस कॉपी कर लेंगे और बाद में पढ़ के याद करेंगे. जब प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होता है, प्रोडक्ट वाली चीजों का, और दोनों को जब वेरिएबल माना जाता है, तो एक बाहर होता है, दूसरा डिफरेंशिएट होता है, और प्लस दूसरा बाहर होता है, एक बाहर होता है, दूसरा डिफरेंशिएट होता है, प्लस दूसरा बाहर होता है और पहला डिफरेंशिएट होता है. पहले तो ये जानो, और ये जानने के बाद ये जानो कि ये जनरल फोर्स है किसी सिस्टम के लिए. इसको कोचिंग वाले पढ़ाते नहीं है सर, किताबों में कम दिया हुआ है, लिखा भी है तो कम समझाए हैं. जो स्कूल स्कूल के टीचर्स होते हैं तो उनको तो पता ही नहीं होता कि ये भी होता है ना, पढ़ाते ही नहीं है. क्यों पढ़ नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि न्यूटन वाले टाइम में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में तो न्यूटन कांस्टेंट मास लिए थे, तो जो करेक्टेड फॉर्म है उसको छोड़ देते हैं जब भी जरूरी है. अच्छा, कई लोग बोल रहे हैं कि पढ़े हैं, तो हो सकता है कि कई लोग पढ़े भी होंगे, इट्स ओके, पढ़े होंगे, कुछ लोग पढ़ाए होंगे तो ठीक है, फाइन. एनीवे, तो जरूरत यह है कि देखो, फोर्स एफ बराबर एम ए नहीं होता. फोर्स एफ बराबर एम ए नहीं होता, ये केवल तब होता है जब मास कांस्टेंट होता है. कहा था ना कि वो भी कंडीशनली ट्रू है, जिसको मैं कह रहा था कि एफ बराबर एम ए कब सही है, तो एफ बराबर एम ए जब मास कांस्टेंट है, भले ही जीरो हो या चाहे जो भी है, वो तभी सही है. केवल क्वांटम वाला कंडीशन नहीं था, क्या भी कंडीशन था, मास जीरो हो या ना हो पर कांस्टेंट हो तब सही था. एनीवे, अब जरा देखो तो यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना. फॉर कांस्टेंट मास, जरा देखो तो फॉर कांस्टेंट एम, बताओ dm बाई डी टी कॉन्स्टेंट मास का डिफरेंशिएशन जीरो होगा कि नहीं? तो बताओ कॉन्स्टेंट मास के लिए क्या हो जाएगा? f बराबर ये देखो m dv बाई डी टी क्या होता है? a होता है. लेकिन केवल किसके लिए है? इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ हुआ कि एफ बराबर एम ए तो होता है, पर ओनली फॉर व्हाट? बहुत जरूरी है, आज प्लान करो, चीजों को इकट्ठा सीखो. ऑडियो स्लो हो रहा है?
तो आज हम लोग कुछ नई चीजें सीख रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। एक तो एवरेज की बात हुई, एक इंस्टेंटेनियस की। और जानते हो साइंस के जितने भी चैप्टर हैं पूरे जेई का, जेई मेन एडवांस्ड का, नीट का, वो वही सिलेबस है जो तुम्हारे बोर्ड का 11-12 का है, सब इंटरमीडिएट का। इसका मतलब सिंबल बदलेंगे, सारे चैप्टर पूरे साइंस फिजिक्स में भरा हुआ है, सिंबल बदलेंगे और नया नया चैप्टर, नए नए क्वांटिटीज, नए नए क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे और सिंबल तुम बदलते चले जाना पूरा कोर्स। यदि अच्छे से पढ़ा जाए ना तो ये पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं, है ना, ये भी समझना है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नई चीजें देख रहे हैं। अब क्वेश्चन उठता है, मेरे टाइम में, मेरे रिक्की नायक का क्वेश्चन है, सर तब क्वांटम मैकेनिक्स में यूज क्या किया जा सकता है वेरिएबल मास वाला। हाँ तो वही मैं बताने जा रहा हूं। हाँ, मेरे टाइम में वेरिएबल मास था। जब मैं आईआईटी क्वालिफाई किया था तो मेरे टाइम में वेरिएबल मास था, और वेरिएबल मास ऐड कर देने से फिजिक्स दो गुना टफ हो जाता है, सोचो, है ना। तो दो गुना टफ था। अब जो जेई मेन एडवांस्ड और नीट में, पीएमटी में, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है ना, वेरिएबल मास को। तो वेरिएबल मास को एक्सक्लूड कर दिया गया है, कांस्टेंट मास लिया जाएगा। तो फार्मूला कौन सा, एफ बराबर एम ए। लेकिन वेरिएबल मास होता तो यही लगेगा, ये फोर्स बराबर होता है, एफ बराबर एम ए नहीं होता है, एफ बराबर एम ए प्लस वी डीएम बाई डीटी होता है। क्या होता है, फोर्स बराबर एम ए प्लस वी डीएम बाई डीटी होता है, एम ए केवल नहीं होता, क्लियर। अब कई बच्चों का क्वेश्चन है कि सर, कई बच्चों का क्वेश्चन है कि वेरिएबल मास का केस बताइए। ठीक है, तो बता देता हूं। मान लो मैं दौड़ता रहूं, फोर्स लगता रहे और दौड़ने में मेरा मास ये सब वेपोरेट होता रहे, कम होता रहे, तो मेरा मास वैरी कर रहा होगा, भले ही ऑलमोस्ट वैरी नहीं कर रहा हो पर वैरी तो कर ही रहा होगा। बड़ा अच्छा ये तो थोड़ा अजीब सा वियर्ड टाइप का क्वेश्चन ये केस हो गया। रॉकेट, रॉकेट जब ऊपर जाता है तो उसमें बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं और फ्यूल का अपना अपना तरीका होता है कंबस्टन के रेट का। सो दैट रॉकेट मूव्स फॉरवर्ड, एक्सपीरियंसेस अप थ्रस्ट एट द कॉस्ट ऑफ लीविंग समथिंग बिहाइंड। वो मोमेंटम कंजर्वेशन से कंबस्टाइल मटेरियल पीछे निकलता है बहुत हाई रेट से, डीएम बाई डीटी, जिससे वो आगे बढ़ता है और चैम्बर का चैम्बर खत्म होता है बड़ी तेजी से, और अप थ्रस्ट उसे मिलता है, वो जाता है। पटाखे में भी किए होगे, छोटे स्केल का वही रहता है, थ्योरी वही है जो पटाखे में रॉकेट छोड़ते होगे, सुई करके भागता है, जो वही थ्योरी वहां भी लगती है और वो ऊपर जाता है। जो लास्ट में सैटेलाइट या कोई भी टेलीकॉम के लिए, कनेक्शन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जो यूज करते हैं, वो बहुत ही छोटी मशीन होती है, बड़ा सा पार्ट तो उसको ले जाने में लगता है और इतना कंबस्शन होता है। इमेजिन करो, देखे भी होंगे टीवी में कि जब रॉकेट या सैटेलाइट और इस तरह की चीजें छोड़ी जाती हैं तो क्या होता है। आप लोगों को क्या लगता है, उस पर जो कंबस्शन से जो फोर्स लगता है, क्या एफ बराबर एम ए लगाओगे? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि मास वेरिएबल है। अब वो तो मान लो दूसरा हो गया, चलो एक ट्रक जा रही है बालू लेके, नीचे होल है, बालू इसमें से गिरने लगा बड़ी तेजी से, ट्रक चल रही है, अब उस पे इंजन के द्वारा फोर्स लग रहा है 1 करोड़ न्यूटन का, मान लो, तुम्हें क्या लग रहा है, एक बराबर एम ए लगाओगे? नहीं, उसमें मास वेरिएबल है। अच्छा,
तू मान लो ट्रक में कंटेनर है बहुत बड़े बड़े, पानी बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, ट्रक जा रही है, इंजन कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है, एफ एफ लग रहा है, पानी गिर के उसी में टैंक में भर रहा है जो ट्रक के ऊपर है, पता चला कि 50 केजी पर सेकेंड धड़ाधड़ उसमें पानी भर रहा है, आपको क्या लगता है एफ बराबर ए में लगाओगे? नहीं, ये लगाओगे, और ये जब लगाओगे तो आसानी से नहीं लगेगा। तो जो बच्चे बोल रहे थे कि सर पढ़े हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया हो, लेकिन क्वेश्चन तो नहीं बनाए होंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम पढ़ाएंगे कि नहीं, तो नॉलेज के नाम पे पढ़ाएंगे थोड़ा सा, और दूसरा भले ही वेरिएबल मास को एक्सक्लूड कर दिए हैं पर नीट में भी दे देते हैं, रॉकेट के नाम पर कह देते हैं कि इतना चलता है, पैसेज में जेई एडवांस्ड में दे दिए हैं सिलेंडर के नाम पे, उसमें पिस्टन और लीकेज ऑफ गैस मास वेरिएबल, तो वो इधर उधर करके डायरेक्ट नहीं देते हैं पर इधर उधर घुसा के दे देते हैं, अब तो जानना जरूरी है, ऐसा तो करेंगे नहीं, तो थोड़ा बहुत। हाँ ये है कि मैं बहुत सारा न्यूमेरिकल जिसके कारण दो गुना टफ फिजिक्स हो जाता है हमारे टाइम हो जाता था वो नहीं करवाऊंगा, लेकिन जैसा कि मैं बोला हूं कि मैं साइंस के लिए बना हूं, साइंस पढ़ाऊंगा, तो मैं थ्योरी और कुछ क्वेश्चन तो करवाऊंगा, वो नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। बच्चों को ये बोल देना कि तो हर बार मेरी क्लास है, तो मेरे मेरे क्लास के बाद नाग सर की क्लास है केमिस्ट्री ना, तो साइंस पढ़ाऊंगा, और वैसे भी जब मैं पढ़ाया करूं ना तो ये न्यूमेरिकल करवाऊं कि नहीं करवाऊं और जेई या नीट और ये सब याद मत रखना, नहीं तो मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा, ठीक है? तो एक चीज ये है। एनीवे, तो अच्छा 99% यदि मैं कह लूं कि सही में चीजें जो हमारा कोर्स कवर, इसका भी ध्यान रखता हूं, ऐसे नहीं कि मैं अचानक क्वांटम शुरू कर दूं और जो चीजें जरूरत है वो हमें आई ना, तो जो हम लोग का टैंडम है ना, जो चेन है हम लोग का सीखने का लर्निंग, इसपे बड़ा रिसर्च होके आए हुए हैं, तो इंटरमीडिएट पे रहना भी जरूरी है, उसे अच्छे से सीखना, तो उसको भी मैं ख्याल रखूंगा, अचानक क्वांटम नहीं पढ़ाने लगूंगा। तो एफ बराबर एम ए कितना, एफ बराबर एम ए कितना परसेंट, 99.99% आएगा, 0.01% में हम आपको वेरिएबल वाला पढ़ेंगे। आप कहेंगे सर ऐसा मत करिए, वेरिएबल वाला भी पढ़ाइए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए वो भी बता देता हूं। जिस प्रपोर्शन में हम अपनी लाइफ जीते हैं ना, जिस प्रपोर्शन में हम अपनी जिंदगी जीते हैं ना, किसी स्मॉल इंटरवल में या इंस्टेंटेनियस, सच में 99.99% केस में मास कॉन्स्टेंट ही होता है। तो जिस प्रपोर्शन में हमारा लाइफ होता है उसी प्रपोर्शन में ना क्वेश्चन बनेंगे और उसी प्रपोर्शन में एग्जाम में आएगा और उसी प्रपोर्शन में पढ़ाई लिखाई भी होगी कि डिसप्रपोर्शन में पढ़ाऊं तुमको, तो ये चीज है। तो एक चीज ये है, और एफ बराबर ए में हम लोग खूब लगाएंगे क्योंकि हर जगह जनरली हम लोगों को मास कांस्टेंट मिलेगा, लेकिन ये जानेंगे जरूर, ये जानना बहुत जरूरी है ये, ओके? तो ये किसी इंस्टेंटेनियस हर मोमेंट का है, ये हर मोमेंट का फोर्स है। एनीवे, दूसरा ये बताओ, कुछ और भी बातें जरा जान लो तभी ना आगे बात करेंगे। इसके बारे में क्वेश्चन सुनो, ये वाला कितने क्वेश्चन बनते हैं, हथौड़ी से मारना, ये वाला बॉल यदि मैं मार दूं ऐसे, ये लेंस पे इसके, तो लड़ेगा ऐसे दीवार से, लड़ेगा लौट के आएगा, इंटरैक्शन टाइम 2 मिलीसेकंड दे दूं, और 10 मीटर पर सेकंड से मारूं, 0.1 kg का मास, 100 ग्राम मास हो, है कहूं कि हाउ मच एवरेज फोर्स एक्टिंग। अब कई लोगों के लिए क्या होगा, ये कैसे निकलेगा,
कैसे निकलेगा एवरेज? ये देखिए, ये है तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन हवा में बिना लिखवाए हुए, सभी लोग देखें। कोई बच्चा बोल रहा था मेरे से कि सर न्यूमेरिकल करवाइए, चलिए न्यूमेरिकल करवाते हैं ध्यान से। चलिए बताइए एवरेज फोर्स, इंटरवल लेता हूं आप लोग बताइएगा ना, इसको देख के मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। इसको देख के देखो कैसे बनाए जाते हैं क्वेश्चन। मैं आपको वेलोसिटी नहीं दूंगा मास बॉडी का, और मैं आपको मास भी नहीं दूंगा, और ना ही इनिशियल दूंगा फाइनल दूंगा, सीधा चेंज दे देता हूं। एक बॉडी का चेंज इन मोमेंटम 4 सेकेंड में हुआ, चेंज कितने सेकेंड में? 4 सेकेंड में हुआ, और चेंज इन मोमेंटम था 20 kg/s। कितना? अच्छा एम वी ना, एम मतलब केजी और वी मतलब मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो गया केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ 20 kg/s, 4 सेकेंड में चेंज हुआ। हाउ मच एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी? कम ऑन रिप्लाई फास्ट, जल्दी से रिप्लाई करो। पांच न्यूटन, लेकिन ध्यान दिए बॉडी का मास नहीं दिया था मैं, वेलोसिटी नहीं दिया था मैं, सीधा चेंज इन मोमेंटम दिया था। छोटा सा क्वेश्चन, इससे सीखो कि छोटे क्वेश्चन कैसे होते हैं, है ना। चलो अब मैं इसको नहीं ये वाला देता हूं ना, ये वाला। एक बॉडी एक एक्सिस पर चल रही है, कई बच्चे तो एक एक्सिस पर चल रही उसी से घबरा के और अपना सुसु कर देते हैं, अरे बाप रे बाप ये नहीं होगा, एक एक्सिस पर चल रही है, क्या चल रहा है भाई ये? अरे महसूस करो देखो। चलो देखो एक बॉडी है उसका इनिशियल मोमेंटम 4 kg/s। एक बॉडी एक एक्सिस पर चल रही है, इनिशियल मोमेंटम 4 kg/s, 4 सेकेंड में बढ़ के, इनिशियल तो इतना था, 4 सेकेंड में बढ़ के उसका मोमेंटम हो गया 20 kg/s। हाउ मच एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी? कम ऑन, 4 सेकेंड में बढ़ के 20 kg/s हो गया फाइनली। व्हाट इज एवरेज, एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी? कम ऑन, 4 kg/s इनिशियल, 20 kg/s फाइनल, और ये दिस इज गिवेन एज अ होल, टाइम टेकन टाइम चेंज सब एक ही होता है, दिस इज होल फोर। जल्दी बताओ आंसर है 16 न्यूटन। क्लियर? अभी भी मैं मास नहीं दिया था, यहां सुनो, बीस ग्राम का बॉल है, रियली में इसी तरह का है भी ना, कमी होगा ऐसे 20 ग्राम रेस्ट में, 20 ग्राम रेस्ट में 2 सेकेंड के अंदर वेलोसिटी इसकी हो गई 4 m/s। 20 ग्राम रेस्ट में इनिशियली, 2 सेकेंड के अंदर वेलोसिटी 4 m/s, फाइंड एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन इट जल्दी। 20 ग्राम बॉल, 20 ग्राम बॉल 2 सेकेंड बाद 4 m/s। व्हाट इज एवरेज फोर्स एक्टिंग? जल्दी कम ऑन रिप्लाई फास्ट। तुम आज यही सीख लो बहुत है, हाँ आराम से सीखो बहुत जरूरी है। हुआ? बोलो। चलो मैं करता हूं, जरा देखो तो यहां पे मैं कर देता हूं, इसको नोट मत करना। हां फाइनल 20 ग्राम 0.02
फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल जीरो, एमवी इनिशियल जीरो डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, कितना हो गया 0.04 न्यूटन। आपको पता है कि जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये 12th में पढ़ोगे, एवरेज करेंट इसी में, एवरेज पावर 11th में पढ़ोगे, पूरा भरा हुआ साइंस यही वाला। सोचो मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे, इंड्यूस में, फैराडेज लॉज है ना, इंड्यूस में जनरेटर, एसी करेंट, पूरा भरा हुआ है। आप सोचो कि यदि हम लोग इस तरह से सोचें तो चीजें कितनी आसान होती हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं, डर जाते हैं। सो एवरेज, एवरेज हमें लगता है कि आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, क्यों? तो यूनिट का ख्याल रखते हुए हमें, यूनिट 20 ग्राम था ना, तो उसको यूनिट भी तो केजी में करोगे, कई बच्चे तो गलती कर देते हैं है ना, तो वो नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ जाएगा, फिर बेकार जाएगा। तो हमको लगता है कि अच्छा हाँ, अब चेंज इन वेलोसिटी, अच्छा मान लो कह दूं कि एक बॉडी है 10 सेकेंड में उसका एवरेज एक्सेस, एक बॉडी है 2 kg, एक बॉडी है 2 kg और 10 सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन था उसका, 10 सेकेंड ड्यूरेशन में एवरेज एक्सेलरेशन था 2 m/s² 2 kg मास, 10 सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन था 2 m/s² बताइए उस 10 सेकेंड में एवरेज फोर्स कितना लग रहा था, आंसर है 4 newton। उस 10 सेकेंड का कोई मतलब नहीं था, 10 सेकेंड का कोई मतलब नहीं था। तो हमको लगता है कि आप लोग हाँ, अब 10 सेकेंड को खोजते मत रहना, कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट मतलब एज अ होल दिस इज गिवेन, डेल्टा वी बाय डेल्टा डेल्टा टी इज गिवेन, खोजना मत कि ये तो दिया नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं दिया है, टाइम दिया है, तो ये कैसे होगा क्या होगा, अरे ये तो है ना, तो ये ऐसे देखना है। सो हमें लगता है कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगले क्लास में, अगला क्लास हम लोगों का टारगेट होगा कि हम लोग अच्छे से, हम लोग अच्छा, आज आज जो ट्रक वाला, बालू वाला, पानी वाला, अच्छा चाहे चेन, चेन ये वाला देखो, क्वेश्चन बाद में आएगा, अभी डर, अभी पल बस इतना ही सुनो। एक चेन है, एक चेन है, ऐसे एक चेन को ऐसे करके छोड़ दोगे तो धड़धड़ा के नीचे गिरेगा है ना, और कहा जाएगा फ्लोर के द्वारा हाउ मच फोर्स एक्सपीरियंस्ड। आपको क्या लगता है, मास वेरिएबल नहीं है, जब धड़धड़ा के नीचे चेन गिर रहा होगा, ऐसे चेन करके स्ट्रेट करके छोड़ दो टच करा के सरफेस, तो जब धड़धड़ा के नीचे गिरेगा तो मास बढ़ेगा उस पर, जो पाइल होगा, जो ढेर होगा मास चेन का सरफेस पे, वो शुरुआत होगी जीरो मास से, धड़धड़ा के उस पर नीचे गिर के इकट्ठा होगा, हीप बनेगा, ढेर। आपको क्या लग रहा है, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो वेरिएबल मास वाला होगा ना सरफेस पर, तो बहुत सारे चीजें हैं महसूस करने के लिए, फील करने के लिए, उसे रिलेट करने के लिए और अप्लाई करने के लिए। तो हम लोग अगले क्लास में हम लोग ये सीखेंगे और न्यूटन्स थर्ड लॉ, मतलब एक एक क्लास में हम लोग एक एक चीज सीख रहे हैं और उसके बाद हम लोग का शुरुआत होगा न्यूमेरिकल, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग लगा रहे होंगे। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं ये सीखने के लिए कि इंस्टेंटेनियस फोर्स का क्या मतलब होता है और न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो थैंक यू सो मच।